दो दोस्त विकी और विकास सेम स्ट्रीम में इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं। विकी का गोल शुरू से ही क्लियर था, उसे अपने कॉलेज में आ रही सबसे बड़ी कंपनी में प्लेसमेंट चाहिए ताकि उसे अच्छा पैकेज मिले। और क्योंकि दोनों शार्प माइंड के थे इसलिए विकी को जॉब मिल भी जाती है इन्फोसिस 6 लाख पर एनम की सैलरी पर। अब उसे पता है कि कॉर्पोरेट जॉब में पैसे कमाने का एक ही तरीका है, स्विच एंड आस्क फॉर मोर, यानी थोड़े साल काम करके कंपनीज चेंज करते रहो और नई कंपनी को पुरानी सैलरी स्लिप दिखा के हाइक मांगो। हर बार 10-40% की हाइक लो और लाइफ सेट है। एटलीस्ट उसे तो ऐसे ही लगा था। कॉलेज छोड़े हुए 10-12 साल हो चुके हैं और विकी बैंगलोर में 30 लाख का पैकेज भी ले रहा है, पर खुश नहीं है, फ्री टाइम नहीं है, टेंशन से बाल सफेद हो गए हैं, हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। विकी को अपने दोस्त विकास की याद आती है और विकी सोचता है यार विकास क्या कर रहा होगा, वो तो कोई कैंपस प्लेसमेंट में बैठा भी नहीं था, उसकी तो मुझसे भी बुरी हालत होगी, कॉल करके पूछता हूँ। विकी विकास को कॉल करता है और पूछता है हाँ भाई क्या चल रहा है। पहचाना, मैं विकी बोल रहा हूँ यार, इतने सालों से हमने बात ही नहीं की। विकास कहता है बढ़िया है यार, मैं ठीक हूँ, तू सुना क्या चल रहा है, कहाँ है आजकल। विकी बस यार कहाँ हूँगा, बैंगलोर में हूँ, कॉर्पोरेट के धक्के खा रहा हूँ, और थोड़ी प्राउड फीलिंग के साथ बोलता है हाँ लगा है 30 लाख का पैकेज, अभी कंपनी चेंज करूंगा, नेक्स्ट कंपनी से 35 लाख मांग रहा हूँ, तू सुना क्या चल रहा है। विकास बस यार तुझे कॉलेज में बताया तो था मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम दोनों चाहिए, अपना काम स्टार्ट करूंगा यही कहा था, वही कर रहा हूँ, खुद का छोटा सा बिजनेस है। विकी गुड यार, कितना कमा लेता है। विकास बस यार थोड़े बहुत कमा लेता हूँ। विकी बता साले कितने कमाता है। विकास बस कर लेते हैं 1-2 करोड़ का बिजनेस पर मंथ। विकास शॉक्ड, वाह यार तूने तो बड़ा एक्सपैंड कर लिया, तू तो सही निकला। विकास हाँ तुझे बोला तो था यार मैं मालिक बनना चाहता हूँ, नौकर नहीं। दोस्तों ये बहुत ही कॉमन स्टोरी है जो ऑलमोस्ट हर कॉलेज में हो रही है। डिफरेंस लोगों की कैपेबिलिटी में नहीं, उनके एटीट्यूड में होता है, फाइनेंशियल आईक्यू का होता है। और आज की इस वीडियो में हम रॉबर्ट कियोसाकी की बुक से फाइनेंशियल आईक्यू सीखेंगे जो हमें नौकर नहीं बल्कि मालिक कैसे बनना है ये सिखाएगी। तो सबसे पहला फाइनेंशियल आईक्यू आता है मेकिंग मोर मनी। रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि 1969 में US मर्चेंट मरीन अकेडमी से 4 साल का कोर्स कंप्लीट किया और स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया के साथ अपनी फर्स्ट जॉब स्टार्ट करी, जहां उन्हें साल के 5 लाख रुपए के करीब मिलते थे। ये उस वक्त के टाइम एक अच्छी सैलरी मानी जाती थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने मरीन कॉर्प्स ज्वाइन कर ली जहां उन्हें वियतनाम वॉर में लड़ने जाना था। उस वक्त उनके सारे दोस्त वॉर में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें लगा कि उन्हें अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन मरीन कॉर्प्स ज्वाइन करने के लिए उन्हें एक पे कट लेना पड़ा और एक मरीन कॉर्प को साल के सिर्फ 25,000 रुपए मिलते थे। 5 साल मरीन कॉर्प ज्वाइन करने के बाद वो दोबारा से सिविलियन बन गए और उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज फाइनेंशियल आईक्यू नंबर 1 बना, यानी मेकिंग मोर मनी, ज्यादा पैसे कमाने का चैलेंज। रॉबर्ट कहते हैं कि मैंने दोबारा से स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी ज्वाइन करने के बजाय एक और पे कट लिया और ज़ेरॉक्स कंपनी ज्वाइन कर ली जहां मुझे सिर्फ 720 रुपए पर मंथ मिलते थे। मेरी फैमिली को लगा कि वॉर के बाद मेरा दिमाग खराब हो गया है, इतनी कम सैलरी में मैं काम कैसे कर सकता हूं? लेकिन मुझे पता था कि अगर मुझे अमीर बनना है तो मुझे बिजनेस करना पड़ेगा, जॉब नहीं। और एक बिजनेसमैन को सेल्स की स्किल्स में अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट बोलते हैं कि मुझे पता था कि मैं बहुत शर्मीला हूं और सेल्स में मुझे अच्छा होना ही पड़ेगा, और इसीलिए ज़ेरॉक्स कंपनी में मैंने सेल्स की जॉब स्टार्ट कर ली थी। जब मैं अपने रीजन का बेस्ट सेल्समैन बन गया तो मैंने वो जॉब छोड़ दी और अपना बिजनेस बनाने में लग गया। सबसे पहले मैंने वॉलेट बनाने का बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने अपनी सेल्स स्किल से काफी वॉलेट्स बेचे और काफी पैसे कमाए, लेकिन मेरे कॉम्पिटिटर्स ने मुझे कॉपी कर लिया और मेरे जैसे एग्जैक्ट वॉलेट्स वो सस्ते में बना के बेचने लग गए। मुझे पता चल गया था कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है, इसलिए मैंने वॉलेट्स में रॉक स्टार्स के नाम लिखवाना शुरू कर दिया और उसे महंगे प्राइस में बेचना स्टार्ट किया एज अ प्रीमियम प्रोडक्ट। इसके लिए मैंने लाइसेंस भी लिया था। इसके बावजूद ये आइडिया फिर कॉपी हो गया और मेरा बिजनेस फिर लॉस में चला गया। मैंने इन लोगों के खिलाफ केसेस भी किए, लेकिन मैंने रियलाइज किया कि मैं ही लॉस में जा रहा हूँ और मेरा वकील जो मेरे लिए केस लड़ता है वो अमीर हो रहा है। वो कहावत है ना कि अगर तुम अपने दुश्मन को हरा नहीं सकते तो उन्हें ज्वाइन कर लो, मैंने भी वही किया। मैं उन लोगों के साथ मिल गया और उन्हें अपने वॉलेट बनाने को कहे, जिसकी वजह से मेरे वॉलेट के प्राइस और कम हो गए और मैं सेल्स में तो अच्छा था ही, इसलिए मैंने काफी वॉलेट्स बेचे और खूब पैसे कमाए और मैं अपने फाइनेंशियल आईक्यू नंबर 1 मेकिंग मोर मनी में अच्छा हो गया। फाइनेंशियल आईक्यू नंबर 2 आता है प्रोटेक्टिंग योर मनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल आईक्यू है जो मैक्सिमम लोग फॉलो नहीं करते। 3 लोगों की सिचुएशन को इमेजिन करो। सिचुएशन नंबर 1, संदीप साल के 10 लाख रुपए कमाता है लेकिन 30% टैक्स गवर्नमेंट को दे देता है और उसके पास
साल के 7 लाख रुपए बचते हैं। सिचुएशन नंबर 2, विकी भी साल के 10 लाख रुपए कमाता है, लेकिन वो गवर्नमेंट को 15% टैक्स में देता है लीगली, इसलिए उसके पास 8.5 लाख रुपीज बचते हैं। सिचुएशन नंबर 3, कुलदीप भी साल के 10 लाख रुपए ही कमा रहा है, लेकिन वो गवर्नमेंट को 0% टैक्स देता है लीगली, इसलिए उसके पास पूरे 10 लाख बनते हैं। तीनों ने मेहनत बराबर करी, पैसे भी इक्वल कमाए, लेकिन आपकी नजरों में फाइनेंशियल IQ किसका ज्यादा अच्छा होता है? ऑब्वियसली कुलदीप का, क्योंकि वो अपने पैसों को प्रोटेक्ट करना जानता है। अब हम में से कई लोगों को ये बहुत अजीब सा आइडिया लगेगा कि यार, एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में हमारा फर्ज बनता है कि हमें टैक्स देना चाहिए। बट रॉबर्ट इसके लिए एक कहानी बताते हैं। एक बार एक सोशलिस्ट फार्मर के पास आता है और उसे सोशलिस्ट पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहता है। फार्मर कहता है कि यार, ये सोशलिस्ट कौन होते हैं, कोई एग्जांपल दो। इस पर वो सोशलिस्ट बोलते हैं, यार देखो, अगर तुम्हारे पास गाय है तो पूरे गाय वालों को वो दूध इक्वल बटेगा, इसे हम कहते हैं अपनी वेल्थ शेयर करना। वैसे ही अगर तुम्हारे पास शीप है तो सभी गांव वालों को वूल मिलेगी। फार्मर खुश होता है और बोलता है, यार ये इक्वालिटी वाला आइडिया तो बहुत अच्छा है, सोशलिज्म तो अच्छा लग रहा है। फिर वो सोशलिस्ट फार्मर को बोलता है, अगर तुम्हारे पास मुर्गी होगी तो उसके अंडे भी सब शेयर करेंगे। इस पर फार्मर को गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है, निकल जाए यहाँ से, मुझे नहीं कोई सोशलिस्ट वोशलिस्ट बनना। इस पर वो सोशलिस्ट बोलता है, गाय के दूध और शीप की कॉटन को शेयर करने के लिए तो तुम खुश थे। जिस पर फार्मर बोलता है, हाँ, क्योंकि मेरे पास गाय और शीप नहीं है, मेरे पास मुर्गियाँ बहुत हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, शेयर करने के लिए सब राजी हो जाएंगे, बट कंडीशन ये है कि उन्हें खुद से कुछ ना देना पड़े। और रियल वर्ल्ड में भी ऐसा ही होता है। ये सबसे टैक्स लेके सबके लिए काम करने का आइडिया तो अच्छा लगता है, पॉलिटिशियन को वोट भी बहुत मिलते हैं, लेकिन कोई भी अमीर अपनी वेल्थ शेयर नहीं करता और टैक्स कम ही देता है, क्योंकि टैक्स की बुक में 95% पेजेस हैं जिसमें टैक्स से बचने के मेथड्स बताए हैं और सिर्फ 5% पेजेस टैक्स देने के बारे में। इसलिए अपना फाइनेंशियल IQ बढ़ाओ और कम टैक्स दो। अगर किसी कॉज के लिए डोनेट करना है तो उस कॉज में डायरेक्टली डोनेट करो। नेक्स्ट फाइनेंशियल IQ 3 आता है, बजटिंग योर मनी। मिडिल क्लास लोगों का बजट, जो मिडिल क्लास लोगों को या तो मिडिल क्लास ही रखता है या फिर गरीब बना देता है, कुछ इस तरीके से दिखता है। सबसे पहले वो सारे खर्चे देते हैं, जिसमें बिजली का बिल, दूध का बिल, पानी का बिल, लोन एक्सेट्रा, हाउस रेंट सब दिया जाता है, और बाद में सेविंग या इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देते हैं। लेकिन वो मिडिल क्लास जो कल को अमीर बन सकते हैं और जिनका फाइनेंशियल IQ ज्यादा है, वो सबसे पहले सेविंग या इन्वेस्टमेंट ही करते हैं और उसके बाद में वो इन खर्चों को देते हैं, और इस सीक्वेंस को वो कभी भी चेंज नहीं करते। रॉबर्ट बताते हैं कि उन्होंने और उनकी वाइफ किम ने एक अकाउंटेंट रखी थी जिसका नाम था बेटी। इन दोनों की मंथली सैलरी करीबन $1,000 थी, लेकिन महीने का खर्च करीबन $1,500 था। रॉबर्ट ने अपनी अकाउंटेंट बेटी को बोला कि $1,000 में से 30% सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए हम यूज करेंगे, और बाकी $700 से हमें $1,500 के एक्सपेंसेस मैनेज करने हैं। बेटी को बहुत गुस्सा आ गया, उसने कहा, नहीं नहीं, पहले हम ऐसा करेंगे कि हम पहले सारे उधार और एक्सपेंसेस देंगे और बाद में सेव करेंगे। लेकिन रॉबर्ट ने कहा कि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं कभी भी अमीर नहीं बन पाऊंगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि जरूरी नहीं कि एक अकाउंटेंट फाइनेंशियल IQ में भी अच्छा हो। फाइनेंशियल IQ नंबर 4 आता है, लेवरेजिंग योर मनी। जैसे गाड़ी की स्पीड तेज करने के लिए एक्सीलरेटर होता है, उसी तरीके से पैसों को जल्दी ग्रो करने के लिए लेवरेज होती है। आइए इसे सिंपल शब्दों में समझते हैं। जब एक मिडिल क्लास इंसान खुद इन्वेस्ट करता है तो उसकी लेवरेज 1:1 होती है, यानी आपकी ₹1 की इन्वेस्टमेंट ₹1 ही रहेगी। लेकिन अगर आप बैंक से पैसे लेते हैं या किसी इन्वेस्टर से पैसे लेते हैं तो आपकी लेवरेज 1:4 हो जाती है, यानी ₹1 का इन्वेस्टमेंट से हम ₹4 की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रॉबर्ट ने एक 300 यूनिट का अपार्टमेंट जो कि $20 million का था उसे लिया था, उसमें खुद के $4 million डाले और $16 million बैंक लोन लिया, यानी उन्होंने 4:16 1:4 की लेवरेज ली। अब जितनी भी उन्हें रेंटल इनकम आती है उसे वो लोन ही देते हैं। इसके बहुत फायदे हैं। 1, अगर वो खुद पूरे $20 million इन्वेस्ट करते तो शायद उन्हें पैसे इकट्ठा करने में 10 साल तक लग जाते। फायदा नंबर 2, जब 10 सालों में वो एक्चुअल में 20 मिलियन की प्रॉपर्टी खरीदते तब तक उस प्रॉपर्टी की एक्चुअल कीमत 20 मिलियन से ज्यादा हो जाती। फायदा नंबर 3, अगर उनके पास एक्चुअल में $20 million थे तो वो $20 million के बजाय बैंक की मदद से $100 million की प्रॉपर्टी खरीद सकते थे, यानी अपनी इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई कर सकते थे। अब ऑब्वियसली ये लोन लेने की स्ट्रेटेजी और प्रॉपर्टी सिलेक्ट करने की स्ट्रेटेजी, इसके लिए भी उन्हें नॉलेज चाहिए, और इसीलिए फाइनेंशियल IQ नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कहता है इम्प्रूविंग योर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। रॉबर्ट बोलते हैं कि 2 साल पहले
मैंने और मेरी वाइफ ने डिसाइड किया कि हम एक बेंटली कार खरीदेंगे। मैं कार उसी वक्त कैश दे के खरीद सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। कोई भी अच्छा फाइनेंशियल आईक्यू वाला इंसान ऐसा नहीं करता, क्योंकि $2,00,000 की कार जिस दिन मैं शोरूम से बाहर निकालूंगा उसकी कीमत $1,25,000 हो जाएगी। मैंने अपनी गोल्ड की इन्वेस्टमेंट से $2,00,000 निकाले और वो $2,00,000 अपने ब्रोकर को दिए और उससे कहा कि तेरा काम है कि इस $2,00,000 से $2,00,000 और कमाए। 8 महीने के बाद वो ब्रोकर मेरे पास आया और वो उस $2,00,000 को $4,50,000 में बदल चुका था। मैंने उसे उसकी ब्रोकरेज फीस दी, $50,000 टैक्स दिए और $2,00,000 की नई बेंटली कार ली और बाकी के $2,00,000 दोबारा से गोल्ड में कन्वर्ट करके अपने पास रख लिए। इसे कहते हैं पैसे से पैसे कमाना। अब ऐसा नहीं है कि हर ब्रोकर आपके पैसे इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि 95% ब्रोकर को खुद ही नहीं पता कि वो कर क्या रहे हैं, और एक अच्छा ब्रोकर ढूंढना भी काफी डिफिकल्ट टास्क है। एनीवेज पॉइंट ये है कि एक मिडिल क्लास इंसान के पास जैसे ही $2,00,000 जमा होते हैं तो वो उसी वक्त $2,00,000 की कार ले लेता और उसके पास $0 बचते। लेकिन एक हाई फाइनेंशियल आईक्यू वाला इंसान अपने पैसों को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखता है। अब रॉबर्ट ये एक तरह से मुफ्त की बेंटली इसीलिए ले पाए क्योंकि उनके पास एक सबसे बड़ा एसेट था और वो था फाइनेंशियल एजुकेशन, यानी पैसे की समझ, और वो उन्होंने गेन करी है अपने से पहले आए एक्सपीरियंस्ड लोगों से, उनकी बुक्स पढ़ के, उनके लाइफ एक्सपीरियंस से सीखे। इसलिए अगर आप भी अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप फाइनेंशियल बुक्स पढ़ें, जैसे कि रिच डैड पुअर डैड, व्हाई ए स्टूडेंट्स वर्क फॉर सी स्टूडेंट्स, रिटायर यंग रिटायर रिच, थिंक एंड ग्रो रिच, लीन स्टार्टअप, द लिटिल बुक ऑन कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एक्सेट्रा। अगर आप इंग्लिश में कमजोर हैं या फिर आपके पास टाइम कम है तो आप हिंदी में फ्री में बुक समरीज सुन सकते हैं गीगल ऐप पर, जहां पर 130 से ज्यादा समरीज हिंदी में फ्री में अवेलेबल है। अगर आप गीगल ऐप में इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप हमारी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो हमारा पेज लाइक करने के बाद 3 डॉट्स के बटन को प्रेस करके फॉलो के बटन को सिलेक्ट कीजिए और फाइनली सी फर्स्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे आपको हमारी हर पोस्ट मिलती रहेगी। जय हिंद।